ग्राम पंचायत अनगौर में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहाँ एक महिला को एक साथ वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगा दिए गए। इतना ही नहीं, महिला ने जब शिकायत की तो अस्पताल प्रबंधन ने उसे बुखार की 2 गोली देकर घर रवाना कर दिया। पीड़ित महिला मूलाबाई साहू का कहना है कि वह अपना आधार कार्ड लेकर वैक्सीन लगवाने केंद्र पर पहुंची थी, लेकिन ना तो किसी ने उनका आधार कार्ड देखा और ना ही कोई अन्य जानकारी ली। सीधे एक के बाद एक 2 वैक्सीनेशन के उन्हें डोज लगा दिए। एक साथ 2 वैक्सीन लगने के बाद महिला को उल्टी और बुखार आना शुरू हो गया था। दूसरे दिन महिला ने अस्पताल पहुंचकर शिकायत की तो मौजूद स्टाफ ने उन्हें बुखार की 2 गोली देते हुए सब ठीक होने की बात कहकर भगा दिया। सोमवार की दोपहर महिला ने जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन देकर लापरवाही करने वाले स्टाफ पर कार्यवाही की मांग की है। कौन सी गांव की आप? इतियानगोर की। कब लगवाई थी आपने वैक्सीन? क्या डोज लगी वैक्सीन के? 2 लगाते ही जब आ जाती सबको आ लगी है। आप नहीं चलो पता कैसी है तबीयत, कैसी है आपकी? घुमाते और चक्कर आती उल्टी हुई। सर हमारे यहाँ के अस्पताल में ये इतनी बू हो रही है कि ये लापरवाही हो रही है कि ये देखिए आप, इनको डबल डोज लगा दिया है। 55 साल वाली उम्र वाली महिला को डबल डोज लगा दिया गया है। किस चीज़ का डबल डोज लगा दिया है? कोई सी वैक्सीन डबल डोज लगा दिए गए हैं, जिसके कारण उसकी हालत ये है कि आज हम लोगों को कलेक्ट्रेट में खड़ा होना पड़ा। विशाल जैन, सुमन गुप्ता है थी शायद, हाँ वो ही थे शायद ड्यूटी पे। पूरा स्टाफ था। अब हम लोग कार्रवाई चाहते हैं कि सर हमारे ग्राम अनगौर में जो हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्थाएं सही रहें, हम ग्रामवासी हैं और जो महिलाएं इनका इलाज हो जाए।